अध्यक्ष आशीष कुमार सिंह ने बताया कि अपराध पर रोक लगाने के लिए चलाए गए अभियान में उप निरीक्षक सुमित तोमर विनोद कुमार की टीम के साथ वाहन चेकिंग कर रहे थे। बाइक सवार को रोकने का इशारा किया तो बदमाश ने बाइक दौड़ा दी और पुलिस के पीछा करने पर तमंचा निकालकर पुलिस पर गोली चलाई, तो पुलिस ने भी आत्मरक्षा के लिए गोली चलाई। पुलिस की गोली पैर में लगी और गिर गया। पुलिस ने घायल बदमाश को गिरफ्तार कर पूछताछ की तो बदमाश संदीप उर्फ टिंकू पुत्र सुखपाल उर्फ मुकेश उर्फ गोपाल उर्फ रामभूल नेताजी निवासी जोगीपुरा असोड़ा हापुड़ देहात बदमाश निकला। थाना अध्यक्ष आशीष कुमार ने बताया कि बदमाश का नाम गाजियाबाद मेरठ हापुड़ के थानों में 14 मुकदमे लूट अवैध हथियार सहित विभिन्न मामलों में दर्ज है। बदमाश से तमंचा कारतूस खोखा सोने की चैन बाइक बरामद हुई है। आज दिनांक 22 जून 2022 को सुबह करीब 5 बजे चेकिंग के दौरान बहादुरगढ़ पुलिस व एक व्यक्ति जिसकी पहचान संदीप उर्फ अरुण उर्फ टिंकू उर्फ सुखपाल उर्फ मुकेश निवासी जोगीपुरा थाना हापुड़ देहात के रूप में हुई के साथ मुठभेड़ हुई, जिसमें अभियुक्त घायल हुआ व उसके पास से एक मोटरसाइकिल एक तमंचा 12 बोर व एक जिंदा कारतूस व एक सोने की चेन बरामद हुई। अभियुक्त एक शातिर अपराधी है जिसका कई जनपदों में लंबा आपराधिक इतिहास है, जो कि घटना करने की फिराक में था, गिरफ्तार किया गया है। आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। संदीप उर्फ अरुण उर्फ टिंकू पुत्र सुखपाल उर्फ मुकेश निवासी जोगीपुरा थाना हापुड़ देहात के रूप में हुई के साथ मुठभेड़ हुई, जिसमें अभियुक्त घायल हुआ व उसके पास से एक मोटरसाइकिल। जाला न्यूज हापुड़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और वीडियो को लाइक करें।